मेरे मिस्त्री साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब मार्केट में BS6 बाइक आने लगी है, और BS6 बाइक में कोई भी फॉल्ट आता है, जैसे कि फॉल्ट आता है, कोई भी सेंसर ख़राब हो गया, कोई ACU आ गई है, तो इसके लिए चेक इंजन लाइट दिया गया है। और चेक इंजन लाइट जब जलने लगता है तो हम मैकेनिक को ये पता नहीं होता है कि वो चेक इंजन लाइट आखिर कहाँ से जल रही है, क्या फॉल्ट आया, क्या कमी आई, हम बिना मशीन के हम चेक नहीं कर पाते हैं। तो गाइज, हमारे पास जो है मशीन आ चुका है, OBD स्कैनर आ चुका है, OBD स्कैनर केबल भी आ गया है, जो कि यूनिवर्सल है, सभी बाइक को आप स्कैन कर सकते हैं। बाइक में क्या दिक्कत है, चेक इंजन लाइट क्यों जल रही है, इस मशीन के द्वारा जो है आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने जो है कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये वाला OBD2 करके, जैसे कि ELM 327 नाम करके आपने लिया होगा, जो कि ये जो है एक एप्लीकेशन से हमें कनेक्ट करना होता है, और सिंगल केबल आप लोगों ने लिया होगा, तो ये जो है अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है, जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और गाइज, इसके द्वारा जो है हम चेक इंजन लाइट को रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, और जल्दी से फॉल्ट भी नहीं बताता है कि क्या फॉल्ट है, किसका चेक इंजन लाइट जल रहा है आखिर। तो देखिए, हमारे पास जो केबल है गाइज, ये यूनिवर्सल केबल है, जो सभी बाइक्स के लिए काम में आएगा, जैसे कि TVS की, सुजुकी, यामा, होंडा होता है, और इसमें स्कूटी पीप का भी है, और ये हो गया जुपिटर का, क्या TVS नहीं दिख लो, ये TVS जो स्पोर्ट बाइक आती है, स्टार सिटी आती है उसके लिए, और ये है अपाची RTR 4V 160 के लिए, और ये है हीरो स्प्लेंडर के लिए, यानी कि हीरो की कोई भी बाइक अगर होता है तो उसको आप इसी कपलर की मदद से आप चेक कर सकते हैं। ये है यामा FZ, उसका कपलर है ये, बजाज KTM के लिए कपलर, और ये जो देखेंगे हीरो X-Pulse जो 200cc का आता है, और ये यामा R15 के लिए, यानी कि ऑल टू ऑल बाइक को आप स्कैन कर सकते हैं, सभी का कपलर इसमें दिया हुआ है, सभी का सॉकेट दिया हुआ है, हर बाइक के लिए यूजफुल है ये गाइज। तो इसमें जो है टोटल 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 कपलर है, इसके साथ ही जो कपलर है इसमें 11 कपलर है, जो कि एक एक्स्ट्रा ये वाला जो काम का नहीं है, इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है रॉयल इनफील्ड का, ये देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा सिर्फ दिया गया है रॉयल इनफील्ड का। दोनों केबल मजबूत हैं, दोनों जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने में लगता है, दोनों में से जो भी चाहें आप लोग ले सकते हैं। अलग से अगर आप रॉयल इनफील्ड का काम करते हैं, रॉयल इनफील्ड के लिए आपको ये वाला मिलेगा, जिसमें कि 5 कपलर होगा, इसमें जो है जितना भी मॉडल होता है, RE जो मोटरसाइकिल होती है, जितना भी मॉडल होगा, तो उसके लिए आप ये वाला भी केबल ले सकते हैं अलग से। अब देखिए गाइज, यहाँ पे जो स्कैनर है सभी डिजिटल है, यहाँ पर जो है मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मॉडल है V311, ये मॉडल है, इसमें जो है एक्स्ट्रा बटन दिया गया है DTC का, जो कि इसके द्वारा हम डायरेक्ट बाइक में क्या फॉल्ट आई है उस ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पे गाइज, ये लॉन्च ब्रांड का है, ये देखिए ये लॉन्च ब्रांड का है, ये देखिए जो 3001 करके क्रिएटर नाम है इसका, और ये लॉन्च ब्रांड का, इसके अंदर बुक भी दिया है कैसे चलाना है, क्या फॉल्ट है, उसके द्वारा भी चेक कर सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है MS309 Pro करके, इसमें 4 बटन दिया गया है, ऊपर नीचे करने के लिए, एग्जिट पीछे करने के लिए ये ओके बटन दिया गया है, इसमें भी 4 बटन उसी तरीके से काम करता है, इसमें भी 4 बटन उसी तरीके से काम करता है। और गाइज, इसके साथ ही यहाँ पे जो आप देखेंगे इसमें 2 बटन मिलेगा, ये भी मशीन जो है इसी तरीके से काम करता है, थोड़ा क्या है कि इसी के द्वारा स्क्रॉल जो लिखा हुआ है इसी से आप ऊपर नीचे भी करेंगे, और इसके द्वारा इंटर जो देखते हैं, इंटर एग्जिट इसी से कर सकते हैं, पीछे और आगे इसके द्वारा आप कर सकते हैं, किसी ऑप्शन पर जाना रहे तो। ठीक है गाइज, तो ये 4 स्कैनर है मेरे पास, जिसमें कि मैं आपको 2 स्कैनर चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं एक स्कैनर ही चेक करके दिखाऊँगा, इनमें से मैं यही कहूँगा कि जो चाहें आप ले सकते हैं, सभी को आप यूज कर पाएंगे, थोड़ा क्या होगा एक दिन सीखने में लगेगा, या फिर 1 घंटा सीखने में लगेगा, समझने में लगेगा, बाकी मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से चलाना है, इसको चलाना कैसे होता है, बिल्कुल आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए उसके बाद। और ये जो प्रोडक्ट देंगे गाइस, ये जो प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा ऑनलाइन से, ऑनलाइन जो कीमत होता है उससे भी आपको कम में देंगे, और 6 महीने गारंटी के साथ देंगे, जो कि ऑनलाइन आपको गारंटी नहीं मिलेगी, फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मीशो पर किसी भी ऑनलाइन मदद से आप लेते हैं तो हमारे यहाँ पर गारंटी के साथ मिलेगी, और जस्ट यही केवल मिलेगी, यही OBD मिलेगी जो आपको ऑनलाइन मिलता है। चलिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्प्लेंडर बाइक जो देख रहे हैं इसको मैं चेक करना है,
अभी देखिए मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा। जैसा कि स्प्लेंडर का जो सिस्टम दिया गया है, ये चेक इंजन लाइट वाला, स्विच को ऑन करते ही चेक इंजन लाइट जलता है और स्टार्ट करते हैं तो चेक इंजन लाइट बंद होता है। अब देखिए मान के चलो आपके पास बाइक आ गई है, सर्विस कर रहे हैं, या फिर कोई फॉल्ट आ गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई कॉइल ख़राब हो गया, कोई सेंसर ख़राब हो गया है, तो इसमें चेक इंजन लाइट जो है गाइस स्टार्ट करते ही जला हुआ रहता है या फिर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं। बिना मशीन का आप जो है BSS बाइक को चेक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें चेक इंजन लाइट्स का जलाना है, तो हम क्या करते हैं, एक हाई टेंशन जो कॉइल होता है ST कॉइल, इसका हमने ये कपलर खोल दिया, इसको अब हमें चेक करना है। देखिए इसे जैसे ही हमने खोला तो यहाँ पे बाइक जब स्टार्ट करेंगे, देखिए एक बार स्विच को ऑन ऑफ करना है हमें, तभी स्टार्ट होगी, क्योंकि करंट इसका गायब हुआ था। अब देखिए ये चेक इंजन लाइट जलने लगी है, तो इसको रिमूव कैसे करना है, तो इसको रिमूव जो करेंगे गाइस हम इसके द्वारा करेंगे, इसके द्वारा हम चेक भी कर लेंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत आई है। तो इसमें एक जो केबल मिलता है हमें हीरो के लिए पीला वाला केबल है, इस केबल को हम लगाएंगे, ये हमने लगाया और इस सॉकेट को यहाँ से लगाएंगे कपलर को, इसे लगाते ही ये फौरन मशीन में लाइट आ जाता है, चालू हो जाता है। अब देखिए इसमें और भी कई सारे फंक्शन हैं गाइस, यहाँ पे जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे, इसका हम RPM भी चेक कर सकते हैं, जहाँ तक कि आप लोग RPM यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, RPM मीटर इसमें नहीं है। तो ये देखिए इंजन अभी स्टार्ट है, हम नीचे बटन दबाएंगे, इसके द्वारा हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए DTC S in this issue जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक लिखा हुआ है 1, यानी कि ये बता रहा है कि एक फॉल्ट इसके अंदर आई हुई है, ये कौन सा फॉल्ट है वो हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखिए और भी आपको बताते हैं, और अभी देखिए मुझे एक बार इंटर करना होगा तभी हम आगे जा सकते हैं। अब देखिए रेड कोड पर क्लिक करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट आया हुआ है। नीचे जो दिया हुआ है इरीज कोड जो अगर देखेंगे तो इसके द्वारा हम उस फॉल्ट को मिटा सकते हैं, यानी कि चेक इंजन लाइट को गाइस हम मिटा सकते हैं। और नीचे और भी दिया हुआ है IM रीडिंग, ये डाटा स्ट्रीम जो दिया हुआ है इसके द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं गाड़ी का RPM कितना है, बैटरी वोल्टेज कितना दे रहा है, सेंसर का जो नंबरिंग है वो कितना आ रहा है, वो सभी देख सकते हैं। अब देखिए डाटा स्ट्रीम पर अगर हम इंटर करके क्लिक करते हैं तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, इसका सारा डाटा यहाँ पे दिखने लगा है। ये देखिए गाइस इंजन RPM यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे ही मैं थ्रोटल खींचूँगा तो ये RPM यहाँ से बढ़ने लगता है। इसके साथ ही नीचे बैटरी का भी दिया गया है और ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे दिखाएगा, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और BD रिक्वायरमेंट सभी यहाँ पे शो करता है। चलिए पीछे हम जाते हैं, और अब हमें इसे मिटाना कैसे है, तो इसे मिटाने के लिए सबसे पहले आपको गाड़ी स्विच ऑफ करना है, बंद कर देना है, फिर हमें ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर हमें उसी ऑप्शन पे जाना है, आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं या यहाँ से जा सकते हैं। चलिए मैं यहीं से करके दिखाता हूँ, फिर एक बार बटन दबाएंगे तो रेड कोड पर जैसे हमें क्लिक करना है, हमें चेक करना है क्या फॉल्ट आया है। देखिए हमने 3 बार इस बटन को दबाया तब इस ऑप्शन पर आया, अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो डायरेक्ट आप इस ऑप्शन पर आ जाएंगे इसके द्वारा। एक बार और दबाएंगे तो यहाँ पे ये करंट कोड दिखने लगा है, इग्निशन कॉइल ए प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट, हमने ये वाला वायर जो खोला था कॉइल वाला वही ये शो करने लगा है। अब मुझे इसे मिटाना है, यानी कि गाड़ी में क्या दिक्कत है नहीं है, तो इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं। अब मुझे पीछे जाना है यहाँ से वापस, फिर से हम पीछे जाएंगे, अब इरीज कोड पर हम नीचे करके क्लिक करेंगे, क्लियर रिसेट इमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन आर यू श्योर, यानी कि आप श्योर हैं इसे रिमूव करने के लिए, तो हाँ हम श्योर हैं, इंटर करेंगे। अब इसका कहना है कि आप अपनी बाइक को बंद रखें और स्विच को ऑन रखें, तभी ये बंद हो पाएगी चेक इंजन लाइट। फिर से हमें एक बार दबाना है बटन,
तो गाइज ये क्लियर हो चुका है, अब दोबारा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, ये देखिए चेक इंजन लाइट जो है वो बंद हो चुका है। तो इसी तरीके से सभी मशीन काम करता है गाइस, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फॉल्ट हो, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चलो जी, यहाँ पे जितना भी मशीन रखा हुआ सभी मशीन एक ही तरह काम करता है। इनमें से जो ये वाला देखेंगे, इनमें से ये तीन वाला जो मशीन है दोस्तों, तीन मशीन, तीनों के अंदर एक ही सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, सिर्फ बटन अलग अलग काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसका सॉफ्टवेयर अलग है, ये मारुति के लिए इसमें थोड़ा सा सिस्टम दिया गया, थोड़ा सा आपको क्या है कि कुछ अलग इसका जो डिस्प्ले है दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा जो आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो इनमें से आप ये वाला ले सकते हैं, V311 मॉडल को, या फिर MS390 प्रो को, या फिर जो क्रेडर लॉन्च कंपनी का है 3001 को। तीनों में से आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, तीनों का जो गारंटी वारंटी है आपको 6 महीने की मिलेगी। अगर ये लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप बात कीजिए। आप चाहे तो मेरे वर्कशॉप पर भी आके ले सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मेरे वर्कशॉप पर ही आप पहुँचा दीजिए तो आपके वर्कशॉप पर ही डिलीवरी हो जाएगी। तो चलिए, हमें इतना ही बताना था। तो कैसे चलाना होता है इस OBD स्कैनर को, हमने आपको बता दिया।